Hello and good afternoon to everyone. We are going to discuss about October current affairs MCQs, जो LIC exam के लिए बहुत important रहेंगे. सबसे पहले सबको good afternoon. Hello everyone. जल्दी से link को share कर दीजिए, like कर दीजिए, so that we can start our lecture as soon as possible. दोस्तों study infinite के इस नए video में आपका स्वागत है. And today we are going to discuss about the October month MCQs, जो हमारे exam के लिए बहुत important है, बहुत crucial रहेंगे. तो इसके ऊपर आज के lecture के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं. 26 questions हैं, 26 questions हैं. They are very simple questions. So all those questions we are going to discuss in today's lecture. कल भी हमने कुछ 28 के आसपास questions discuss किए थे. काफी अच्छा response मिला था. So जल्दी से आज भी link को share कर दीजिए, so that we can move forward with our rest of the MCQs. Okay, good afternoon all. चलो start करते हैं. आज के पहले हमारे question के साथ, बाकी दोस्त हमारे धीरे-धीरे जुड़ते रहेंगे. दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर. द क्वेश्चन द थिंग वाज रिसेंटली इन न्यूज़, स्पेशली रिगार्डिंग द टाइगर रिजर्व वाला न्यूज़ था, रिगार्डिंग फॉर द एनिमल्स एज वेल एज फॉर द स्पेशली फॉर द एलिफेंट्स एंड द टाइगर्स, उसको लेके न्यूज़ में चल रहा था. तो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है. क्वेश्चन की तरफ एक बार ध्यान दीजिएगा. Which one of the following is a key national highway between Karnataka and Kerala that passes through Bandipur Tiger Reserves in Karnataka? तो नेशनल हाईवे का नंबर पूछा हुआ है. कर्नाटक एंड केरला का नेशनल हाईवे है जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व से जाता है. 200 साल पहले ये नेशनल हाईवे बना हुआ है, बट स्टिल ये जो टाइगर, ये जो नेशनल हाईवे, एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एनिमल्स के लिए. सो रात के टाइम पे इसको बंद करने का डिसीजन ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि इस हाईवे को रात के टाइम पे बंद किया जाएगा, सो दैट एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो. तो मुझे उस नेशनल हाईवे का नंबर बता दीजिए. चलो काफी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं. सोनम, हर्षल, अमित, अरविंद, वेरी गुड वेरी गुड. हेलो तनुजा मैम, यस आंसर इज नेशनल हाईवे नंबर 766. आंसर इज ए आंसर है इस क्वेश्चन का हमारा. सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको सारे नेशनल हाईवेज के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट सम काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ नेशनल हाईवेज आर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे आपका आंसर ए रहेगा. देखिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल के रखी हुई है. देखते हैं यहाँ पे. Kerala's Wayanad district has witnessed a series of protests against the ban on night traffic on the forest stretch of National Highway 766. It's a key highway between Karnataka and Kerala. 200 साल पहले बना हुआ national highway है. Obviously काफी लोग यहाँ से travel करते हैं. रात में अगर ये बंद हो गया तो लोगों को तकलीफ हो सकती है, पर इसको बंद करना जरूरी था. पहले इस national highway का number था 212, but now it is renamed as a 766. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए. इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं कि भाई पहले का नंबर क्या था और अभी का नंबर क्या था, बट स्टिल थोड़ा याद रखेगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए क्रूशियल हो सकता है. ओके आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इनिशियल क्वेश्चन बहुत सिंपल है. देखिए, पर्यटन पर्व 19 इज ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री? पर्यटन पर्व 2019 ये कौन से मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसका आंसर दे दीजिए. वेरी सिंपल वेरी सिंपल. नाम देख के समझ में आता है मिनिस्ट्री, इतना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है ये. यस दोस्तों, यस वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलोंग्स टू राहुल गांधी. वेरी गुड सोनम मैम. चलो ओके मयंक, कोई बात नहीं. गुड गुड, आपने शेयर कर दिया, दैट्स अ गुड थिंग. यस, टूरिज्म मिनिस्ट्री इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर. टूरिज्म मिनिस्ट्री, पर्यटन पर्व, नाम देख के कोई भी ये आंसर मार्क कर सकता है. दोस्तों एग्जाम में ऐसे एक दो क्वेश्चंस 100% होते हैं जहां पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि टूरिज्म मिनिस्टर साहब का नाम बता दीजिए, और मेरे ख्याल से अमित ने ऑलरेडी नाम बता दिया. प्रहलाद सिंह पटेल, यस प्रहलाद सिंह पटेल, एमपी से वो लोकसभा रिप्रेजेंट करते हैं. दामोह उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है. वेरी गुड सोनम मैम. सो प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्टर है और उस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है. इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आएगा आपके लिए, पर उसके पहले पर्यटन पर्व एग्जैक्टली है क्या, देखिए उनके तीन कॉम्पोनेंट है पर्यटन पर्व के. देखो अपना देश, इसको एनकरेज करेंगे कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ना चाहिए. देन टूरिज्म फॉर ऑल. टूरिज्म फॉर ऑल का मतलब है कि हर एंगल से टूरिज्म को प्रमोट करना है, चाहे म्यूजिक रहे, डांस रहे, थिएटर रहे, स्टोरी टेलिंग रहे. तो हम हमारे पर्यटन को या हम हमारे टूरिज्म को सिर्फ एक बड़ी बड़ी जगहों को देखने के लिए या कोई लैंडमार्क प्लेसेस को देखने के लिए लिमिटेड नहीं रखेंगे. हम वहां पे कल्चरल के तरफ भी उसको प्रमोट करेंगे. एंड टूरिज्म एंड गवर्नेंस, टूरिज्म एंड गवर्नेंस का मतलब यह है
कि टूरिज्म जब होता है तो गवर्नेंस बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, थीम्स मेंटेन होनी चाहिए, नहीं तो एट रैंडम कुछ भी टूरिज्म चलते रहेगा या फिर गंदगी फैली रहेगी, तो वो हमें नहीं करना है। इसके लिए हमने तीन कंपोनेंट्स मेंटेन किए हुए, एक तो देखो अपना देश, हमें इंडिया के अंदर ही टूरिज्म को प्रमोट करना है, दूसरा टूरिज्म फॉर ऑल हर एंगल से प्रमोट करना है, एंड नेक्स्ट टूरिज्म एंड गवर्नेंस, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। अगर कोई तकलीफ होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट सॉल्व भी कर पाए, तीन कंपोनेंट्स है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज परिचय रिसेंटली सीन इन न्यूज, जल्दी से बताइएगा। परिचय न्यूज में चल रहा था, परिचय नाम का कंसेप्ट न्यूज में चल रहा था, सो एग्जैक्टली परिचय क्या है, जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों, बताइए। या विरासत ए खालसा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उस पर्टिकुलर म्यूजियम को विजिट किया गया है। ओके, वेरी गुड मयंक, यस सोनम, राइट, एब्सोल्युटली राइट, विरासत ए खालसा इज फ्रॉम द पंजाब गुरदासपुर। दोस्तों इसका आंसर कर दीजिए, परिचय वॉज इन न्यूज रिसेंटली, सो दिस परिचय बिलोंग्स टू, यस गाइज। अमित गेव द आंसर, एडवर्ड का भी आंसर है, सोनम ऑल्सो गेव द आंसर, अदर, बाकी लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा एग्जैक्टली ये क्या है। परिचय फिलहाल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। ओके, यस एग्जैक्टली, इट इज आंसर ए, थर्ड का आपका आंसर दोस्तों ए रहेगा। ओके, इट वॉज स्टार्टेड फॉर द एनआरसी, एनआरसी में जो लोग एक्सक्लूड हो गए, जो एनआरसी के लिस्ट में आसाम में नहीं आ पाए, उनको लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के जितने लॉ स्कूल्स हैं, उन लॉ स्कूल्स ने टुगेदर परिचय स्टार्ट किया है कि जितने लोग एनआरसी के अंदर नहीं आ पाए बट वो इंडियन ही है, वो आसामी ही है, तो उनको अगर कोर्ट में कंप्लेंट करनी है तो उनको कोई ना कोई लॉयर लगेगा, सो फॉर दैट लीगल एड वी स्टार्टेड दिस परिचय, विच वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द दिस लॉ स्कूल्स इन इंडिया। तो याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव न्यूज है, एक अच्छा एफर्ट लिया जा रहा है कि जो लोग मिस भी हो गए, इसका मतलब डायरेक्टली वो इंडियंस नहीं है ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों को एक बार कोर्ट में जाके दलील देने का भी हक बनता है, फॉर दैट रीजन वी स्टार्टेड दिस परिचय, द आइडेंटिटी, इट्स हेडक्वार्टर इज इन गुवाहाटी बिकॉज वही का प्रॉब्लम ज्यादा है, एंड स्टार्टेड बाय ऑल द लॉ स्कूल्स अक्रॉस इंडिया टुगेदर। ऑलरेडी कैब को लेके, या CAA, अभी कैब तो नहीं कहेंगे हम लोग, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है, उसको लेके ऑलरेडी इंडिया में इशू चल रहा है, एनआरसी को लेके काफी अपोज हो रहा था, सो हम फिलहाल CAA के ऊपर फिलहाल बात नहीं करेंगे बिकॉज थोड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाता है, पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा CAA के ऊपर आपके इस एग्जाम के बाद, उसके पहले नहीं लेके आऊंगा, मैंने किया प्रॉमिस किया था आपको लेके आऊंगा, पर एग्जाम के बाद लाते हैं क्योंकि इसके ऊपर अभी फिलहाल डिस्कशन करके कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, आगे जाते, आगे बढ़ते, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। व्हाट इज आइंस्टाइन चैलेंज, आइंस्टाइन चैलेंज रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, के सो ये आइंस्टाइन चैलेंज एग्जैक्टली है क्या, कोई बताएगा इसके बारे में, यस गाइस, एनीवन, व्हाट इज दिस आइंस्टाइन चैलेंज, यस गाइज, ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा, ये आइंस्टाइन चैलेंज फिलहाल न्यूज में चल रहा था, एनीवन, ओके, विनोद का आंसर आया हुआ है रिगार्डिंग रिलेटिविटी, मेरे ख्याल से आज अरविंद का नेट स्लो है, डी काफी लोगों ने डी, वर्ल्ड फिजिक्स इनिशिएटिव, अरविंद का आंसर आया है ए विथ क्वेश्चन मार्क, ओके, और कोई, यस गाइस, डी काफी लोगों का आंसर डी आ रहा है, यस आंसर इज ए, फोर्थ का आंसर दोस्तों ए है, ओके, मुझे 100% पता था कि कोई एक ही शायद इसका आंसर देगा, शाहीन ने आंसर दिया हुआ है, शाहीन सैयद, वेरी गुड, अमित ने भी आंसर दे दिया, आंसर इज ए, ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर आइंस्टाइन चैलेंज लॉन्च किया था, आइंस्टाइन चैलेंज ये है दोस्तों कि गांधी जी के जो थॉट्स है वो इनोवेटिव तरीके से हमें पब्लिक तक पहुंचाने हैं, तो गांधी जी के थॉट्स को तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी साहब ने नया चैलेंज लॉन्च किया और उसको नाम दे दिया आइंस्टाइन चैलेंज। ओके, ये चैलेंज फेमस नहीं हो पाया, यहां पे अगर मोदी साहब कोई दूसरा चैलेंज लॉन्च करते थे ना तो 100% फेमस होता था इंडिया में हैशटैग करके। आइंस्टाइन चैलेंज है थोड़ा अलग चैलेंज है कि गांधी जी के थॉट्स को समझना है, उसमें इनोवेशंस लाने हैं और लोगों तक लेके जाना है, और लोगों को थॉट्स ही समझ में नहीं आते। ओके, सो थॉट्स समझ में नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली आगे कहां जाएंगे।
सो हमें उस तरीके से महात्मा गांधी जी को इनोवेशन के तरीके से लोगों तक पहुंचाना है. सो आंसर इज ए, ए इज द आंसर. याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ कर रहे थे. ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ करके रखी थी. सबको लगता है आइंस्टाइन साहब की बात कर ली तो फिजिक्स की बात आएगी या किसी और चीज की बात आएगी. तो आंसर ए है, याद रखिएगा. यहीं पर अगर लोगों ने, अगर यहाँ पे मोदी साहब ने शायद सेल्फी वेल्फी का डाला होता तो शायद बहुत फेमस बन जाता, बट इसलिए फेमस नहीं बन पाया. ठीक है, चलो आगे बनते. क्वेश्चन नंबर 5. नाउ ये सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टेट गवर्नमेंट के ओरिएंटेड क्वेश्चन है. ध्यान दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट सरकार प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली न्यूज. यस दोस्तों, जल्दी से बताइए. एनीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सरकार प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज. किस चीज का रिलेशन पूछ रहे थे एडवर्ड आप? यस, आंसर इज ओडिशा. ओडिशा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज बी. बी इज द आंसर. ओके सॉरी, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इट एम्स टू प्रोवाइड द सर्विस विद डिग्निटी टू द पीपल हु आर कमिंग टू गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर डिफरेंट पर्पज इन ओडिशा. सो जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, अगर उनको तकलीफ होती है, अगर उनको दिक्कत होती है, तो वो ये मो सरकार इनिशिएटिव के थ्रू उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे. बहुत बार आपने देखा होगा, हर स्टेट का एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो काम कम होते हैं और आपका वेटिंग पीरियड बहुत बढ़ता है, आपको मेंटल हरासमेंट ज्यादा होती है. तो ये हरासमेंट ना हो, वेटिंग पीरियड ज्यादा ना बढ़े, इसलिए ओडिशा सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. इट्स कॉल्ड एज अ मो सरकार. तो थोड़ा इसके तरफ ध्यान रखिएगा, विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आंसर इज बी ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत बार दिक्कत ये हो सकती है कि मो सरकार देख के हम वेस्ट बंगाल मार्क कर सकते हैं. एडवर्ड गांधी जी और आइंस्टाइन साहब, इनका रिलेशन क्या है? द रिलेशन इतना ही था, मोदी साहब को रिलेशन इतना ही लगा था कि इनोवेशन लाना है. ओके, इनोवेशन, इसलिए उन्होंने आइंस्टाइन साहब को उठाया. ओके, एंड इन दैट वे इट वर्क. मेरे ख्याल से बफरिंग नहीं हो रही है अरविंद. ओके, आज तो हमारे यहां तो बफरिंग नहीं हो रही है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन के ऊपर. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरिन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसका नाम था एक्यूवेरिन. ये एग्जैक्टली किस कंट्री के साथ इंडिया कर रहा है? एक्यूवेरिन का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप. एक्यूवेरिन का मतलब है फ्रेंडशिप. सो एग्जैक्टली एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ की जा रही है? मो सरकार मयंक यह होता है कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं और वहाँ पे वेटिंग बहुत बढ़ जाती है, आपको बहुत रुकना पड़ता है, आपके काम जल्दी नहीं होते, आपके प्रॉब्लम समझे नहीं जाते, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मो सरकार बनाया गया है, ताकि लोग इस इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट तक इजीली पहुंचे और अपने प्रॉब्लम्स बता सके और उनके काम जल्दी हो सके. नहीं तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में वेटिंग पीरियड बहुत होता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा या मुझे अगर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाना होगा तो काफी टाइम लगता है. तो ये टाइम कम करने के लिए हमने ऐसा कुछ बना के रखा हुआ है. ओके, यस, आंसर इज ए. 6 का आंसर ए है, दैट इज मालदीव्स. विथ मालदीव्स वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कॉल्ड एज एक्यूवेरिन, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेंडशिप. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट. ओके, देखिए एक्यूवेरिन का मतलब फ्रेंड्स होता है. सो नेशनल डिफेंस फोर्सेस ऑफ मालदीव्स एंड द इंडियन आर्मी टूगेदर स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. सो आंसर इज ए. चलो आगे बढ़ते हैं. यस, ग्रीवेंसेस बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. सरबत दा भाला एक्सप्रेस, भला एक्सप्रेस, द नेम ऑफ द ट्रेन रिफ्लेक्ट्स द टीचिंग ऑफ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली. एक एक्सप्रेस स्टार्ट की गई है, मेरे ख्याल से न्यू दिल्ली से पंजाब तक की एक्सप्रेस है. इस एक्सप्रेस में एग्जैक्टली किसके टीचिंग्स को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, किसके टीचिंग्स के ऊपर काम किया जा रहा है, जल्दी से आंसर कीजिएगा. यस दोस्तों. ओके, अनिल अलूरे, अब काफी अच्छे से उन्होंने मो. ओके, चलो कोई बात नहीं, बताइए मुझे इसका आंसर. यस, गुरु नानक साहब. फिलहाल अगर कोई भी हमारे पंजाबी दोस्तों का कोई भी अगर पंजाब ओरिएंटेड कुछ आता है तो आंसर मोस्टली गुरु नानक साहब ही रहेंगे. ओके, उनकी रिसेंटली हमने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की हुई है. सो यस, यहाँ पे भी आपका आंसर दोस्तों ए रहेगा. ओके, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दे फ्लैग्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लुधियाना. न्यू दिल्ली टू लुधियाना उन्होंने एक एक्सप्रेस स्टार्ट कर दी और उस एक्सप्रेस के अंदर वी आर वर्किंग ऑन दिस की गुरु नानक साहब की टीचिंग्स वहाँ पे बताई जाए.
550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक साहब की, प्रकाश पर्व जिसको हम लोग कहते हैं, करतारपुर कॉरिडोर, नानकान साहिब कॉरिडोर, ऑलरेडी हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है कि नागर कीर्तन जो चल रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड गुरु नानक साहब के बर्थ एनिवर्सरी पे, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर लोकेशंस की बात करें तो दिल्ली टू लुधियाना ये इंटरसिटी ट्रेन है, यहाँ पे इसको इनिशिएट किया गया था। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनदर इजी क्वेश्चन। ऑडियो अडिगोज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय, ऑडियो अडिगोज रिसेंटली इन न्यूज लॉन्च्ड बाय, ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? यस दोस्तों जल्दी से बताइए, ऑडियो अडिगोज रिसेंटली न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसी मिनिस्ट्री के ऊपर हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन देख चुके हैं, मेरे ख्याल से अरविंद का आंसर आया हुआ है विद स्पेलिंग मिस्टेक। चलो बताइए, ऑडियो अडिगोज रिसेंटली इन न्यूज इज बिलोंग टू विच मिनिस्ट्री? यस टूरिज्म मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। मैंने अभी आपको बताया था पर्यटन पर्व, हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था पर्यटन पर्व, सो पर्यटन पर्व के अंदर ही ये ऑडियो अडिगोज बना के रखे। दोस्तों आप जब किसी एक हिस्टोरिकल साइट को विजिट करते हो या किसी भी टूरिस्ट साइट को विजिट करते हो तो हमें गाइड की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद अपने गाइड बुक्स बना के रखे हुए, वो गाइड बुक्स आपको स्टार्ट करने हैं, आपको हेडफोन्स लगाने हैं, गाइड बुक स्टार्ट करने हैं, और जैसे जैसे आप चलते जाओगे उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहीं से मिलेगी, तो आपको अलग से गाइड हायर करने की जरूरत नहीं है। सो इन दैट वे दे हैव स्टार्टेड, एंड्रॉयड ऐप भी है उस ऐप को ये सपोर्ट करता है, iOS के ऊपर भी इसका ऐप है, इन दैट वे इट इज वर्किंग। यस प्रहलाद सिंह पटेल इज द मिनिस्टर ऑफ दिस, सो वेरी गुड। यस अनिल ने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया, 12 साइट्स से अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किए, इन 12 साइट्स पे हम लोग ये ऑडियो अडिगोज यूज कर सकते हैं। अडिगोज इज अ स्पैनिश वर्ड, के दोस्त या फ्रेंड्स के लिए हम अडिगोज ये वर्ड यूज करते हैं, इज अ स्पैनिश वर्ड एंड विच वी यूज ओवर हियर इन इंडिया, के तो याद रखिएगा, वी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नाउ अनदर सिंपल। रिसेंटली सीन इन न्यूज, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक विल कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये एग्जैक्टली कहां पे है, कहां पे सिचुएटेड है? चलो बताइए दोस्तों, ई वेस्ट क्लिनिक। यस गाइज, या वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेरे ख्याल से अरविंद का आंसर आया हुआ है। आई गेस अरविंद आपका नेट प्रॉपर चल रहा है फिलहाल। यस आंसर इज बी, बी इज द, सॉरी डी इज द आंसर, वेरी सॉरी डी इज द आंसर। सो भोपाल है, भोपाल के अंदर ये ई वेस्ट क्लिनिक स्टार्ट किया गया है। कल के लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था, भोपाल के ही अंदर या एमपी के अंदर ही हमने टाइम बैंक बना के रखी थी, इंडिया की पहली टाइम बैंक हमने मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर बना के रखी थी। सेम वे ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो भी वहीं पे बनाया गया है, सो दैट इज अ केस। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। हॉल्ट द हेट, अ हेट क्राइम ट्रैकर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ वर्किंग इन इंडिया? कौन से एनजीओ का है हॉल्ट द हेट? यस नेहा मैम, वो तो है, कुछ लोगों के नेट बहुत फास्ट है। चलो बताइए, Halt the Hate is a hate crime tracker started by which NGO? कौन से NGO ने start किया है? बताइए। Anyways, इंडिया में आजकल hate crimes काफी बढ़ गए, lynchings काफी बार होती है, तो इन hate crimes को रोकने के लिए कौन से NGO ने initiative लिया हुआ है? Yes, answer is A. A is the answer. Amnesty India, they have started this, उन्होंने start किया हुआ है। 181 incident हुए हैं इंडिया में अभी तक 2019 के only first half में, and those incidents were on the depending on the hate. तो hate को रोकने के लिए they started this. इंडिया में ये problem बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप दो चार दिन से देखोगे और ये problem बढ़ते जा रही है, so इसको रोकने के लिए एक NGO अपने हिसाब से efforts ले रहा है, that is a scenario. चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रिसेंटली MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन विड्रॉल ऑफ 1.82 क्यूसेक ऑफ वाटर फ्रॉम फेनी रिवर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फॉर सबरूम टाउन त्रिपुरा इज साइन बाय इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री?
एक कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है कि फेनी रिवर से हम लोग कुछ पानी निकालने वाले हैं फॉर ड्रिंकिंग. तो जो फेनी रिवर है ये इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में शेयर की जाती है, यही उस क्वेश्चन का मतलब है. उसको उस कंट्री का नाम बता दीजिए. पानी तो निकाला गया है त्रिपुरा के सबरूम टाउन के लिए, क्योंकि वहां पे पानी का थोड़ा इशू आ रहा था. सो उस रिवर से पानी विड्रॉ करने के लिए एक गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी है. एंड यस, आंसर इज डी. क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम किया गया था, पर याद रखिएगा क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि किस कंट्री के साथ हम लोग फेनी रिवर शेयर करते हैं. आंसर इज डी. या एक और क्वेश्चन बनेगा, त्रिपुरा में कौन सी रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं. सो रिवर का नाम याद रखिएगा, आंसर इज फेनी. दैट इज द केस. सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी, उनका ऑफिशियल विजिट था इंडिया को, एंड दैट टाइम वी डिस्कस मेनी थिंग्स एंड वन ऑफ देम वॉज रिगार्डिंग द फेनी रिवर. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ. नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा. एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए. एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड वॉज रिसेंटली इन न्यूज, गिव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट. यस दोस्तों, या बताइए. एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड वॉज इन रिसेंटली इन न्यूज. जल्दी से, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. या तो एग्जैक्टली एडीएफ, एक तो एग्जाम में एडीएफ का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एडीएफ के फुल फॉर्म के बाद फिर बाकी चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड एग्जैक्टली किस बात में है? अमित और अरविंद ने बी कहा है, एडवर्ड का कहना है एमएसएमईज, मयंक का भी कहना बी है. यस, आंसर इज बी. ओके, सो एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड बेसिकली आंसर इज बी. बी इसलिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो हमारे टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज है, जो स्मॉल सिटीज है, स्मॉल एरियाज है, टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज. टीयर 1 सिटीज का मतलब है मोस्टली जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कोलकाता, दीज आर द टीयर 1 सिटीज. टीयर 2 सिटीज की बात करेंगे तो उससे थोड़ी सी छोटी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो भोपाल, नागपुर या कानपुर, दीज आर द टीयर 2 सिटीज. इससे छोटी जो सिटीज है उसको हम टीयर 3 या टीयर 4 सिटीज कहते हैं. इंडिया में आज भी इन छोटी सिटीज में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए जाते, तो ये एक्सेप्टेंस बढ़े, इन सारे सिटीज में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के एक्सेप्टेंस बढ़े ताकि प्रॉपर तरीके से लोग अपने सारे पेमेंट ऑनलाइन कर पाए या कार्ड से कर पाए, किसी को कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़े. फॉर दैट पर्पज, फॉर दैट रीजन वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय आरबीआई. और ये जो भी फंड रहेगा, मीन्स यहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस बढ़ानी है तो आपको अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, आपको पीओएस मशीन्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट रीजन नाबार्ड के अंदर ये फंड काम करने वाला है. तो याद रखना, क्वेश्चन भी ये पूछ सकते हैं कि एडीएफ फंड ये एग्जैक्टली किसके अंडर काम करेगा. एडीएफ फंड भले ही आरबीआई ने बनाया होगा पर ये वर्क करेगा अंडर नाबार्ड. नाबार्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो इसको हैंडल करने वाले हैं. ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आरबीआई कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड. सो एक आरबीआई के पास फंड होता है जिसमें एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर खर्चा किया जाता है, ये सारा वहां पे यूज किया जाएगा. दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रहेगी कि इसका हैंडलर कौन है या ये फंड किसके कंट्रोल में आने वाला है. नाबार्ड आंसर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम किया गया है पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है. भले अलग तरीके से फ्रेम हो, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, यू विल अंडरस्टैंड द आंसर. विथ रेफरेंस टू द इंटरनल ओम्बुड्समैन फॉर लार्ज नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पीपीआई जिसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे फोनपे हो गया या मोबीक्विक वॉलेट्स हो गया, ये सारे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमने ओम्बुड्समैन, इंटरनल ओम्बुड्समैन के ऊपर बात की हुई है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इट, जल्दी से बताइए. यस गाइज, अरविंद का आंसर ओनली वन. यस दोस्तों, सेशन लाइक कर दीजिए जल्दी से. To provide a robust mechanism for the redressal of customer complaints, the RBI has set up ombudsman scheme for digital transaction in Jan 19. RBI decided to institutionalize the internal ombudsman scheme for entities who have more than 10 million prepaid payment instruments outstanding. Lina ma'am ka bhi one aaya hua hai. Sonam both, Mayank is also saying both, Amit is saying none. Okay,
नहीं पता, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड आंसर. ओके, यस, आंसर इज बोथ, दोनों है. ओके, दोनों है. मुझे बस आपका अवेयरनेस लाना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया. ध्यान रखिएगा, 10 मिलियन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, 10 मिलियन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जिनके होंगे उन्हीं के लिए ये इंटरनल ऑम्बुड्समैन की डिसाइड की जाएगी. सो आंसर इज बोथ. सो आंसर यहां पे आपका रहेगा, सॉरी, आंसर आपका यहां पे रहेगा दोस्तों सी. सी इज द आंसर, याद रखिएगा. ठीक है, ध्यान दो, यहां पे आपके लिए मेंशन भी किया है. The address grievance of the wallet holders RBI has provided for an internal ombudsman for large non-bank prepaid instruments with more than 1 crore customers in India to provide a robust mechanism for redressal of customers' complaint. नीचे देखिएगा, मोबीक्विक, पेयू, मैंने आपको बताया था, ये सारे जो मोबाइल वॉलेट्स इंडिया में चलते हैं उन सब को ध्यान में रख के इंटरनल ऑम्बुड्समैन की बात की है, एक्सटर्नल नहीं. दैट इज अ इंपॉर्टेंट केस. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ. Who among the following Indian will be canonized in the Vatican City by the Pope Francis on October 13 and will be declared as saint? Okay, already ho chuka hai. Actually, thoda future tense mein question chala gaya. But bataiye ki India se kis saint ko, kisko saint banaya gaya hai? Okay, har saal ye hota hai. हर साल वर्ल्ड में किसी ना किसी को सेंट की पदवी दी जाती है बाय बाय द पोप इन द वैटिकन सिटी. सो इस बार एक इंडियन को पो सेंट का एक दर्जा मिला हुआ है. आंसर बताइए. अरविंद गेव सम आंसर. ओके, अमित गेव सम आंसर. ओके, चलो बताइए. या आंसर इज ए. ए इज द आंसर. ओके, सॉरी, आंसर ए है. मदर मरियम थेरेसिया. So, उनको इस बार सेंट बोला गया है. मालाबार, मालाबार से बिलोंग करती है, केरला से बिलोंग करती है. एंड 1876 टू 1926 के टाइम पे उनका स्पैन था. एंड शी वर्क्ड वंडरफुली दैट टाइम. एंड शी वाज वेरी फेमस इन द होली फैमिली और इन द चर्च सिनारियो. एंड दैट टाइम शी, फॉर दैट रीजन शी गॉट दिस सेंट वाला स्टेटस रिसेंटली बाय द पोप. सो यस, शी इज फ्रॉम केरला, केरला से बिलोंग करती थी. यस, आंसर इज मार्थ और द मदर मरियम थेरेसिया. सो आंसर इज ए. ए उसका आंसर था. ठीक है, चलो. यस, केरला. बट ऑब्वियस है, इंडिया में अगर सेंट्स की बात करें तो मैक्सिमम सेंट्स बिलोंग्स टू द केरला. मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, नॉट ऑल. क्वेश्चन नंबर 15, चलो बताइए. नेशनल ई असिस्टमेंट सेंटर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ. नेशनल ई असिस्टमेंट सेंटर, ये किसका इनिशिएटिव है, जल्दी से बताइए. क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल क्वेश्चन है. यस दोस्तों, नेशनल ई असिस्टमेंट सेंटर इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच डिपार्टमेंट. बहुत सिंपल है, ई असिस्टमेंट की बात की गई थी बजट में. निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि इसके बाद इंडिया में ई असिस्टमेंट के ऊपर काम किया जाएगा. आपको डायरेक्टली ऑफिसेस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए. ओके, तो एग्जैक्टली इसको किसने लॉन्च किया है, मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया. इट वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द बजट. यस, आंसर इज ए. आंसर इज ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं. तो मैडम ने अनाउंस किया था कि जब टैक्सेस के असिस्टमेंट की बात आएगी तो आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे असिस्टमेंट ही ऑनलाइन हो जाएंगे. असिस्टमेंट अगर ऑनलाइन होते हैं तो हरासमेंट या फिर ब्लैकमेलिंग या फिर करप्शन बहुत कम हो सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर. बहुत बार ऐसा होता है, सपोज आई एम पेइंग सम टैक्सेस और मेरे टैक्स कैलकुलेशन में कुछ गलती है तो मुझे लेटर आएगा टैक्स डिपार्टमेंट से या उनकी रेड पड़ सकती है. ये सारी चीजें, सारा हरासमेंट रोकने के लिए ई असिस्टमेंट रहेगा, ऑनलाइन असिस्टमेंट रहेगा. और ये ऑनलाइन असिस्टमेंट कहीं से भी हो सकता है. एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सो आंसर इज ए, एंड वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टैक्सेस के सिनारियों में, तो याद रखेगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एडॉप्टेड अ फ्रेमवर्क टू यूज ड्रोन्स फॉर द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ द इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज. बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एडॉप्टेड द फ्रेमवर्क टू यूज द ड्रोन्स फॉर द लास्ट माइल. यस गाइज, जल्दी से. एनीवन? यस, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये पूरे आज के दिन का. सो आंसर इज तेलंगाना. तेलंगाना इज द आंसर. तेलंगाना गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस फॉर द मेडिकल सप्लाईज. ओके, वेरी गुड. चलो
उनका अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द अपोलो हॉस्पिटल्स दे को डिजाइन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क फॉर द तेलंगाना गवर्नमेंट एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट. अगर क्वेश्चन पूछा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन अगर गया तो याद रखेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड अपोलो हॉस्पिटल्स टूगेदर स्टार्टेड दिस. एनीवेज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह कहा हुआ है कि इंडिया इज द प्लेस इंडिया इज द प्लेस फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडिया को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की प्लेस बना के रखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द क्रिप्टो करेंसीज, ये तीन चीज़ें इंडिया के ऊपर काम किया जाएगा और इंडिया इसमें इनोवेशंस लाने के लिए हम इंडिया को हेल्प करेंगे. तो याद रखिएगा. यस, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो मेरे मैम पुट वन क्वेश्चन एंड अरविंद ने उसका बहुत सही जवाब दिया है. फूड डिलीवरी की बात करें तो पूरे दुनिया में ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने फूड डिलीवरी के लिए ड्रोन्स यूज करना शुरू किए. तो दैट इज अ केस. दूसरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह कहना है कि ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिप्टो करेंसीज, इन तीन मामलों में इंडिया इज द प्लेस फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड वी आर वर्किंग इन दैट एंगल. उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं तो विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विल बी क्रूशियल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ध्यान रखिएगा. ओके, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. ध्यान दीजिए, बफरिंग हो रही है, नाउ इट्स क्लियर. ओके, ई दंत सेवा वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन, द फर्स्ट एवर नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन ओरल हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज डिसेमिनेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री. जल्दी से बताइएगा. स्विट्जरलैंड. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एडवर्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज नॉट जस्ट लाइक यूएन और द एनी अदर ग्रुप, उसके तरह काम नहीं करता है. इट्स नॉट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. स्विट्जरलैंड से काम करता है. ओके, मुझे बताइए, ई दंत सेवा वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन फर्स्ट एवर नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द ओरल हेल्थ किसने लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आंसर इज सी. एग्जैक्टली राइट, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है. आंसर सी है इसका, इस क्वेश्चन का. आयुष नहीं आएगा. आयुष इसलिए नहीं आएगा बिकॉज आयुष इज ओनली फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. ओके, ओरल हेल्थ इज नॉट द पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, यूनानी. ओरल हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेडिसिनल ट्रीटमेंट. सो मिनिस्ट्री रहेगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. अगर आप कुछ अलग सब योगा या आयुर्वेदा के बारे में सुनते हो तो फिर आपके आयुष मिनिस्ट्री में जाएगा, अदरवाइज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. सी इज द आंसर. सो ई दंत सेवा पहली बार इंडिया में ओरल हेल्थ के लिए किसी ने स्टार्ट किया है. डेंटल फैसिलिटीज और द डेंटल कॉलेजेस जितने होते हैं यहाँ पे ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इनोवेटिव थिंग. बहुत इनोवेटिव है. एम्स इसके ऊपर काम कर रहा था काफी दिनों से एंड दे फाइनली इंप्लीमेंटेड दिस. यस, हर्षवर्धन साहब इसके मिनिस्टर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं. वो भी पॉइंट आप लोगों ने बहुत सही तरीके से बताया. ओके, नाउ बीइंग अ डेंटिस्ट आई विल टेल यू वन थिंग कि ओरल हेल्थ के लिए ऑनलाइन सही में कुछ अवेलेबल नहीं था, बट नाउ यू विल गेट ऑल द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जो लाइक केओस क्रिएट नहीं करेगी. सो फॉर द लाइक जो हमारे मेरे जो डेंटिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी अच्छी बात है बिकॉज हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे पेशेंट्स को समझाने के लिए एंड प्लस पेशेंट्स विल अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल थ्रू दिस पर्टिकुलर सिनारियो. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिएगा अच्छे से. Who among the following have been awarded the Nobel Prize for the Physiology? Physiology का Nobel Prize किसको मिला है? Physics नहीं लिखा है, Physiology लिखा है. Physiology means medicine का किसको मिला है? बताइएगा. Yes दोस्तों, मेरे ख्याल से थोड़ा buffering का issue हो रहा था. Yes guys. नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी किसको मिला हुआ है? यस मयंक, आई एम. यस 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 एडवर्ड, या फाइन. आंसर इज ए. एग्जैक्टली, फिजियोलॉजी का जो नोबेल प्राइज है ये ए. यस, फिजियोलॉजी इज मेडिसिन. सो विलियम जी कैलिंग, पीटर जे रैटक्लिफ एंड द ग्रेग सेमेंजा. सो ये लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है. इन तीनों ने किया क्या है? इन तीनों का काम ये है कि इन्होंने जो सेल्स होते हैं दोस्तों, स्पेशली इन द केस ऑफ एनीमिया, कैंसर के ये जो बड़े डिजीज है, इन डिजीजेस में होता क्या है कि आपके बॉडी सेल्स बहुत बहुत डिफेक्टिवली काम करते हैं. तो ऐसे डिफेक्टिवली काम करने वाले बॉडी सेल्स को अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली मिला तो ये सेल्स प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तो आपको जो कैंसर या एनीमिया होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ही क्योर कर देगी.
बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी के सेल्स ये बहुत एट रैंडम बिहेव करते हैं, बहुत इमैच्योर बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलती, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। अगर उन सेल्स को एनर्जी और ऑक्सीजन प्रॉपरली मिली तो सेल्स प्रॉपरली काम करेंगे, तो आपका कैंसर, एनीमिया, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है। तो ऐसे डिजीजेस जो बॉडी के इमैच्योर सेल्स के वजह से होते हैं, ऐसे सेल्स को ठीक करने के लिए उन्होंने खोज की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये बहुत क्रूशियल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस, इसलिए मैंने फिजियोलॉजी ये वर्ड यूज किया था, फिजिक्स ये वर्ड यूज नहीं किया था। ओके, याद रखिए, आगे बढ़ता हूं। बुनाड, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ ट्रेडिशनल फोक कॉस्ट्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बुनाड, ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, एक फोक कॉस्ट्यूम होता है और ये फोक कॉस्ट्यूम काफी चर्चा में चल रहा था इंटरनेशनल सर्कल में। इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल सर्कल की बात हो रही है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। यस, एनीवन? ओके मयंक, डेफिनेटली आइए। ओके, बाय द वे, आई एम नॉट वर्किंग एज अ फुल टाइम डेंटिस्ट। ओके, मैंने क्लिनिक चलाना बंद कर दिया है, कि फुल टाइम डेंटिस्ट नहीं हूँ फिलहाल। आंसर इज नॉर्वे। यस, आंसर इज ए, ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉर्वे। काफी लोग इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, यस, नॉर्वे, नॉर्वे इज द आंसर। राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट किया गया था, नॉर्वेन एम्बेसडर जब आए थे तो ही प्रेजेंटेड दैट। ओके, एंड ही वॉज वेयरिंग दैट, ही ऑल्सो वेयरिंग द सेम ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। ओके, एंड ही प्रेजेंटेड दैट कॉस्ट्यूम ऑल्सो टू अवर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब। सो यस, दैट इज द केस। ओके एडवर्ड, विल डिस्कस ऑन दिस डेंटिस्ट्री पार्ट समटाइम एल्स। कभी और बात करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। अर्थ के, अर्थ का थर्ड पोल किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। लास्ट सिक्स क्वेश्चन आर रिमेनिंग, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। हमें पहले दो पोल्स पता है, अंटार्कटिका, आर्टिक, जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सो थर्ड पोल कौन सा है दुनिया का, जो रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये दुनिया का थर्ड पोल है। और उस थर्ड पोल के ऊपर काम करने के लिए तीन कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करती है, उन तीनों कंट्रीज के नाम बताइए। यस दोस्तों, यस, हिंदू कुश, हिमालयन हम लोग कह सकते हैं, एच के एच रीजन जो है। सो यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों सी रहेगा, एच के एच रीजन, हिंदू कुश हिमालयन रीजन, उसको हम थर्ड पोल कहते हैं। सो पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, ये तीनों कंट्रीज मिलके इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करने वाली है। इसके अलावा बाकी लोग भी हेल्प करेंगे, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प, बट तीन कंट्रीज का प्रोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एक है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। दिस थ्री कंट्रीज आर गोइंग टू वर्क टूगेदर फॉर दिस पर्टिकुलर थर्ड पोल, जिसको हम लोग हिंदू कुश हिमालयन एरिया कहते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ, ध्यान दीजिएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग, डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म दोहा डिक्लेरेशन एंड अ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन न्यूज। दोहा डिक्लेरेशन एंड एसएनडी का मतलब है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये दो वर्ड्स एग्जैक्टली किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये वर्ड आप बार बार सुनने वाले हो। वन इज कॉल्ड दोहा डिक्लेरेशन, अनदर इज कॉल्ड स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जल्दी से बताइए। यस 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 मैन, गुड, बोलिए आगे। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दे दीजिए कि दोहा डिक्लेरेशन एंड द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे, बहुत बार न्यूज में आता है, एग्जैक्टली किससे बिलोंग करेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यस, आंसर इज ए, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो उनका दोहा डिक्लेरेशन बहुत फेमस है। ये वही डिक्लेरेशन है जिसके वजह से इमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और उनके अगेंस्ट खड़ा रहता है यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। ये वही डिक्लेरेशन है जिसकी वजह से दो ग्रुप बने हुए WTO के अंदर, जो एक दूसरे के अंदर फाइट करते हैं। दूसरा, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो इमर्जिंग कंट्रीज है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए या इनके सामान को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए देन द डेवलप्ड कंट्रीज। सो ये WTO का इशू है, इसमें बहुत बार झगड़े होते हैं और इंडिया एक ग्रुप को हेड करता है, जिस ग्रुप को हमें सपोर्ट करने
करने वाले चाइना है, पाकिस्तान है, जहां जो इंडिया को यहां पे सपोर्ट करते हैं, और हमारे अगेंस्ट बहुत बार खड़ा होता है यूएसए. तो यस, आंसर इज ए. यस, क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं. सारस अजीविका मेला और सरस अजीविका मेला इज एन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री. अजीविका जिसको पता है के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम अजीविका कहते हैं, उसको ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा कि सरस अजीविका एग्जैक्टली मेला ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है. यस दोस्तों, यस गाइस, आंसर दे दीजिए जल्दी से. या बोलो. आंसर इज नॉट बी. संदेश उमिला, आंसर इज नॉट बी, आंसर इज ए. स्किल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आएगा. अजीविका इज नॉट द पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट. अजीविका इज द पार्ट ऑफ ए, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. इट्स पार्ट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. ध्यान दीजिएगा, सीन क्या है. अजीविका जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नाम में सब कुछ है, लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये इसी को हमने दूसरा नाम दे दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना, और इसी को हमने तीसरा नाम दे दिया अजीविका. तो ये सारे एक ही चीज के नाम है और ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं. गांव के अंदर, हमारे विलेजेस के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनको कोई ना कोई जॉब मिल सके, उनके पास कोई ना कोई काम हो सके, फॉर दैट पर्पज ये योजना स्टार्ट की गई है. सालों पहले स्टार्ट की गई है. इसके नाम चेंज होते रहते हैं, कभी इसको अजीविका कहेंगे, कभी एनआरएलएम कहेंगे, कभी अंत्योदय योजना कहेंगे, कभी दीनदयाल अंत्योदय योजना कहेंगे. तो नाम चेंज होते रहेंगे पर मिनिस्ट्री इज द सेम. तो पे गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है. आगे बढ़ता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 23, ये तो न्यूज में चल रहा था, एक अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को बनाया गया, इट वॉज इन न्यूज. सो मुझे बताइए, हॉन्गवी इज रिसेंटली सीन इन न्यूज. हॉन्गकी इज रिसेंटली सीन इन न्यूज. इट इज व्हाट एग्जैक्टली, क्या है. यस, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब का नाम अरविंद ने बता दिया, वेरी गुड. ओके, नरेंद्र सिंह तोमर साहब है. ओके, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर. हॉन्गक्वी वॉज रिसेंटली न्यूज, न्यूज में चल रहा था अक्टूबर मंथ में, इसके ऊपर काफी बात हो रही थी. तो ये एग्जैक्टली क्या है. यस नया मैम, वेरी गुड. नरेंद्र सिंह तोमर साहब की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दी है. या ऐसा नाम तो चाइनीज ही रहेगा, बट एग्जैक्टली चाइनीज क्या. आंसर इज ए. यस, आंसर इज ए, लग्जरी चाइनीज कार. ओके, सो लग्जरी चाइनीज कार इज द आंसर इज ए. ये क्यों न्यूज में आया मैं आपको बोलता हूँ. हमारे सॉरी चाइना के जो प्रीमियर है जी जिनपिंग, ही केम टू इंडिया. आपको बताऊंगा अक्टूबर में महाबलीपुरम में वो इंडिया में आए थे. इनफॉर्मल मीटिंग थी मोदी साहब और उनकी. ओके, सीन क्या है, चाइना का रूल है या चाइनीज गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट है कि चाइना के प्रीमियर या चाइना के हेड कभी भी हेलीकॉप्टर से ट्रैवल नहीं करते. वो हमेशा एक तो प्लेन से ट्रैवल करेंगे या फिर अपने कार से ट्रैवल करते हैं. जो चाइना की कार का ब्रांड है, चाइना का जो लग्जरी कार का ब्रांड है, वो है हॉन्गक्वी. सो यही कार है जो वहां के प्रेसिडेंट यूज करते हैं. तो न्यूज इसलिए था बिकॉज वो चेन्नई में आए थे. चेन्नई से महाबलीपुरम जाने के लिए हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो हेलीकॉप्टर से चले गए, पर चाइनीज प्रीमियर ने अपनी कार लाई थी चाइना से, और उस कार्स के अंदर बैठ के ही वो गए थे. वो हेलीकॉप्टर से नहीं गए थे, उस कंट्री में अलाउड नहीं होता है. ओके, इसकी वजह से थोड़ा चर्चा चल रही थी कि एग्जैक्टली वो कार का ब्रांड कौन सा है. ये ऐसा कार का ब्रांड है जो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ही यूज करते हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट ही यूज करती है, और कोई यूज नहीं करता. तो याद रखिएगा, बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ. यूएस प्रेसिडेंट की जो कार है उसको, वो कैडिलैक व्हीकल्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसको द बीस्ट नाम दिया जाता है. ओके, अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, या हमारे कंट्री में स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है. कभी हम बीएमडब्ल्यू भी यूज कर ले, कभी हम ऑडी भी यूज कर ले. ओके, राइट नाउ बीएमडब्ल्यू यूज की जाती है इंडिया में, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 24, चलो बताइए. कद्री गोपाल नाथ रिसेंटली सीन इन न्यूज. कद्री गोपाल नाथ जो रिसेंटली न्यूज में चल रहे थे, ये उनका रिसेंटली देहांत हुआ है. ओके, तो एग्जैक्टली वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं. कद्री गोपाल नाथ रिसेंटली उनका देहांत हुआ है, उनको काफी अवार्ड्स भी मिले हुए. सो ये एग्जैक्टली किस फील्ड से बिलोंग करते हैं. यस दोस्तों, मुकुल का आंसर आया हुआ है, और कोई आंसर देगा. यस गाइज, एनी वन. यस
Yes, C. Answer is C. Saxophone player. Saxophone player the one of the very famous saxophone phone player of India. उनको संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड भी मिला था कर्नाटक के म्यूजिक के अंदर जब अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे. सो ही गॉट मेनी फेमस अवार्ड्स कर्नाटका से बिलोंग करते हैं. रिसेंटली उनका देहांत हुआ था. सो याद रखिएगा क्वेश्चंस कैन बी आस्क ऑन दैट. यस आंसर इज सी. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 25 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के डे का. क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज रिसेंटली लॉन्च सहयात्री मोबाइल ऐप. सहयात्री मोबाइल ऐप रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है जल्दी से आंसर कीजिएगा. सहयात्री मोबाइल ऐप बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री. यस दोस्तों यहां पे मैंने मिनिस्ट्री सिंपल तरीके से डाल दी है. यहां पे कंफ्यूज करने के लिए कुछ अलग मिनिस्ट्रीज भी आ सकती थी. वो कैसे आ सकती थी मैं आपको वो बता दूंगा. पर अभी थोड़ा इसका आंसर कीजिए. सहयात्री मोबाइल ऐप ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ है. दोस्तों सहयात्री मोबाइल ऐप एग्जैक्टली है क्या. जो रेलवे से ट्रैवल करने के लिए यात्रीज है उन यात्रीज को अगर कोई प्रॉब्लम होती है सो दे कैन शेयर देयर इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर. दे कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ पुलिस डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. फॉर दैट रीजन सहयात्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. मुझे लगा ही था रेलवे आप डालोगे पर रेलवे यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पे. के रेलवे ऑप्शन में ही नहीं डाला गया तो आंसर देने का सवाल ही नहीं आता. आंसर इज ए होम अफेयर्स मिनिस्ट्री. होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया. एक्चुअली बेसिकली इसको रेलवे के लिए लॉन्च किया गया इनिशियल फेज में पर ये इंडिया के सारे यात्रियों के लिए रहेगा. इसको होम मिनिस्ट्री ने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट या जो बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो सारे के सारे फाइनली जाते हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर. सो इट वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. होम अफेयर्स ने इसको स्टार्ट किया हुआ है. आंसर इज ए. यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करेंगे. ऑप्शंस में रेलवे डाल सकते हैं. रेलवे अगर ऑप्शन में डाल दिया तो 99% लोग गलती करके आने वाले हैं. अगर ऑप्शन में टूरिज्म मिनिस्ट्री डाल दी तो फिर से लोग वहां पे गलत मार्क करेंगे. तो यहां पे आपका आंसर ए है. याद रखना गलतियां हो सकती है. फिलहाल हम लोग सिर्फ रेलवे के ऊपर फोकस करने वाले पर इसका मतलब रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ऐसा नहीं होता. याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है. यस होम अफेयर्स क्यों आ गया ये आपको अमित शाह से आपको पूछना पड़ेगा. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. Who among the following was the first human to ever walk in space? Okay, yes, बताइए. पहला इंसान जिसने स्पेस में वॉक किया था. Yes, बताइए. लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का. Okay, कल दोस्तों कल बाय द वे हमारा थर्ड मॉक रहेगा. हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम मॉक ही लेंगे तो कल हमारा थर्ड मॉक रहेगा. 2 बजे से मॉक स्टार्ट होगा कल हमारा और थर्ड एंड लास्ट मॉक रहेगा. उसके बाद शायद मॉक लेने के टाइम भी नहीं मिले. उसके बाद फिर हमारे रेगुलर लेक्चर्स तो चलते रहेंगे पर कल हमारा थर्ड मॉक रहेगा. दीपा सिंह चौहान विल ट्राई फॉर हिंदी बट थोड़ा सा हिंदी का इशू हमें जाएगा. ओके विल ट्राई फॉर हिंदी बट इज नॉट दैट इजी. यस आंसर इज एलेक्सी लियोनोव. एलेक्सी लियोनोव रशिया से बिलोंग करते हैं. आंसर इज ए. ए इज द आंसर. पहली बार जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था. चांद पे गए थे या फिर स्पेस में गए थे ये क्वेश्चन नहीं था. स्पेस में सबसे पहले वॉक किसने किया था. सो रिसेंटली उनका देहांत हुआ है. एलेक्सी लियोनोव सो रशिया से बिलोंग करते हैं. सो वो पहली बार स्पेस में उन्होंने वॉक किया.